Hello everyone, welcome back in Raya Smart Classes. Today we will study Class 7 Science Chapter 1 Nutrition in Plants Concept Overviews. In this session we will study about photosynthesis, process of photosynthesis and importance of photosynthesis. I will try to explain each topic through PowerPoint presentation in English and Hindi mix to understand you easily. At the end of each slide, hold a slide for a second so that you can write down the details for notes preparation and offline practice. Now let us start the topics. तो आज हम फोटोसिंथेसिस के बारे में जानेंगे और समझेंगे। इससे पहले हम थोड़ा सा बता दें, फोटोसिंथेसिस हमने अभी हमारे जो पिछले सेशन वाले वीडियो में हमने बनाए हैं उसमें ऑटोट्रॉप्स होते हैं, जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना फूड स्वयं तैयार करता है, दैट इज ऑटोट्रॉप्स। एंड तो सेल्फ कैसे तैयार करते हैं? थ्रू फोटोसिंथेसिस। ऑटोट्रॉप्स जितने होते हैं, जैसे कि ग्रीन प्लांट्स हो गए, ये सारे अपना फूड खुद तैयार करते हैं थ्रू फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस फूड बाय ग्रीन प्लांट्स। फोटोसिंथेसिस क्या है? एक प्रोसेस है फूड सिंथेसिस करने का by green plants, plants के द्वारा। This process usually takes place in the leaves of plants। ये जो photosynthesis का process होता है वो कहाँ होता है? Plants के leaves में होता है। The process required chlorophyll, green colored pigment, sunlight, carbon dioxide and water। Photosynthesis के लिए तो फोटोसिंथेसिस से जो फूड तैयार होता है, तो मतलब फोटोसिंथेसिस के लिए क्या रिक्वायरमेंट है? ग्रीन कलर पिगमेंट, जिसको हम क्या क्लोरोफिल बोलते हैं, जो ग्रीन प्लांट्स के लीव्स में प्रेजेंट होते हैं, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ऑल थिंग्स आर रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस होता कहाँ है? The process of photosynthesis takes place in green leaves। जो photosynthesis होता है वो कहाँ होता है? Green leaves में होता है। Therefore, leaves are referred as the food factories of plants। इसलिए leaves को हम क्या कहते हैं? Food factory, food बनाने की factory है plants की। जो process photosynthesis होता है वो हरे पत्तों में होता है, ग्रीन लीव्स में, इसीलिए हम लीव्स को फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट्स भी कहते हैं। ऑर्गेनेल्स, ऑर्गेनेल्स आर टीनी सेलुलर स्ट्रक्चर इनसाइड अ सेल, दे आर फाउंड इन साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। जो ऑर्गेनेल्स होता है एक बहुत ही छोटा सेलुलर स्ट्रक्चर होता है जो सेल के अंदर होता है, वो कहां पाया जाता है? साइटोप्लाज्म, सेल के साइटोप्लाज्म पाता है। क्लोरोप्लास्ट इज अ टाइप ऑफ ऑर्गेनेल दैट एग्जिस्ट इन प्लांट्स। जो क्लोरोप्लास्ट होता है एक टाइप का ऑर्गेनेल है जो ग्रीन प्लांट में पाया जाता है। दीज ऑर्गेनेल कंटेन्स क्लोरोफिल, द ग्रीन कलर पिगमेंट दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट। तो जो क्लोरोप्लास्ट है वो एक तरह के ऑर्गेनेल्स है जो प्लांट में पाए जाते हैं। ये क्या क्लोरोफिल इसी के अंदर पाया जाता है, जो ग्रीन कलर पिगमेंट होता है, जो रिस्पॉन्सिबल होता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए। क्लोरोफिल इज द पिगमेंट दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ फूड इन ग्रीन प्लांट। क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट है जो फूड की सिंथेसिस ग्रीन प्लांट में होता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है।
दिस पिगमेंट ग्रीन कलर टू इट्स बियरर एंड इज अबंडेंटली फाउंड इन लीव्स। जो क्लोरोफिल ग्रीन कलर का होता है, जो कहां फाउंड? लीव्स में। क्लोरोफिल इज लॉक्ड इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट, इसलिए क्लोरो मेन साइट कहां हुआ? लीव्स में। जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोफिल कहां है? क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट में लॉक्ड होता है इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट। दैट इज दैट क्लोरोफिल आर रेस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ फूड इन ग्रीन प्लांट्स थ्रू फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस एक प्रक्रिया है फूड सिंथेसिस करने का, किसके द्वारा? ग्रीन प्लांट्स के द्वारा। ये कहां होता है? लीव्स ऑफ द प्लांट्स, जो लीव्स होते हैं, जहां क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर की जरूरत होती है। और जो फोटोसिंथेसिस लीव्स में होता है, इसीलिए लीव्स को हम दूसरे अर्थ में फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं और समझते हैं कैसे होता है प्रोसेस। प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस कैसे होता है? द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कैन बी एक्सप्लेन्ड इन थ्री स्टेज। तीन स्टेज में हम इसको समझते हैं। फर्स्ट, अब्जॉर्प्शन। क्लोरोफिल प्रेजेंट इन लीव्स ट्रैप्स द लाइट कमिंग फ्रॉम द सन। जो क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट के इनसाइड में लॉक्ड होता है, वो क्या करता है? जो सनलाइट आती है उससे लाइट को ऑब्जर्व करता है। देन क्या होता है? कन्वर्जन। द ऑब्जर्व लाइट एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी एंड वाटर ऑब्जर्व विल स्प्लिट इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। सबसे फर्स्ट क्या होता है फोटोसिंथेसिस में? ऑब्जॉर्प्शन होता है, जहां क्लोरोफिल प्रेजेंट है लीव्स में, वो लाइट को जो सन से आता है उसको ट्रैप करता है। जैसे कि यहाँ पे सन से जो लाइट आ रही है, तो ये जो लीव्स है इसको ट्रैप करता है। क्लोरोफिल जहाँ पे क्लोरोप्लास्ट के अंदर लॉक होता है वहां, और देन लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन होता है, और जो वाटर एब्जॉर्ब्ड होता है स्वेल से, वो स्प्लिट होके हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स में स्प्लिट हो जाता है। नाउ देन रिडक्शन, एट लास्ट कार्बन डाइऑक्साइड गेट्स रिड्यूस्ड। लास्ट में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो रिड्यूस्ड होता है। दैट इज हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स कंबाइंड विथ कार्बन टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट, शुगर मॉलिक्यूल्स। जब कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस्ड होता है तो क्या होता है? उसके हाइड्रोजन जो है वो कार्बन के साथ कंबाइन होके कार्बोहाइड्रेट बनाता है। दैट इज अ शुगर मॉलिक्यूल एज सेव फॉर फूड स्टार्च के रूप में जो प्लांट्स हैं सेव कर लेते हैं। अब जब रात होती है तो फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, तो वो अपनी जरूरत के हिसाब से उसको यूटिलाइज करते हैं। तो जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, फर्स्ट अब्जॉर्प्शन, जहां की जो क्लोरोफिल है वो सनलाइट से लाइट को ट्रैप करता है, देन कन्वर्जन, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और जो वाटर एब्जॉर्ब किया होता है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में स्प्लिट हो जाता है। एट लास्ट रिडक्शन होता है, जहां कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस्ड होके कार्बोहाइड्रेट बनाता है। दैट इज अ शुगर मॉलिक्यूल। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड कहां से? एयर से कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर सोयल से प्लांट, जैसे कि एयर से वाटर लिया, कार्बन डाइऑक्साइड लिया, और सोयल से वाटर एंड लाइट एनर्जी फ्रॉम सन इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, जो ग्रीन प्लांट्स है पिगमेंट, क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है ग्रीन, देन रिएक्ट गिव्स ग्लूकोज, दैट इज अ कार्बोहाइड्रेट फूड, प्लस ऑक्सीजन रिलीज्ड इन एयर। ऑक्सीजन जो प्लांट है
एयर में रिलीज कर देता है, तो जो दैट इज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसका जो केमिकल रिएक्शन है 6CO2, दैट मीन्स CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड, 6 मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12 मॉलिक्यूल्स H2O वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल दैट गिव्स ग्लूकोज C6H12O6 कार्बोहाइड्रेट दैट इज ग्लूकोज प्लस 6O2 ऑक्सीजन एंड 6H2O दैट इज द रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो थ्री स्टेज में, पहला क्या ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन मीन्स कि जो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है ग्रीन लीव्स में वो लाइट एनर्जी को ऑब्जर्व करता है, देन कन्वर्जन लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और जो वाटर ऑब्जर्व हुआ रहता है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में स्प्लिट हो जाता है। नेक्स्ट रिडक्शन, जो कार्बन डाइऑक्साइड एयर से जाता है वो रिड्यूस होके क्या बनाता है, कार्बोहाइड्रेट्स दैट इज द फूड फॉर प्लांट्स। नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते, ऑल द थ्री इवेंट्स आर नॉट अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, दे मे और मे नॉट टेक प्लेस सिक्वेंटली। जो ऑब्जॉर्प्शन, कन्वर्जन एंड रिडक्शन है ये कंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं है, ये मतलब ऑनगोइंग जैसे होता है, नहीं है कि एक के बाद एक होता है। तो दैट इज इन ऑल थ्री इवेंट्स आर नॉट अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, दे मे और मे नॉट टेक प्लेस सिक्वेंशियल, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। इन प्लांट्स स्टोमटा आर द ओपनिंग ऑन लीव्स वेयर गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस एंड इज रेगुलेटेड बाय गार्ड सेल्स। प्लांट्स में जो ग्रीन लीव्स होते हैं उसमें एक स्टोमटा होता है जो ओपन होता है और क्लोज होता है, जिससे कि गैस का एक्सचेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। प्लांट्स टेक इन एंड रिलीज गैसेज थ्रू दिस स्टोमटल पोर्स। जो स्टोमटा होता है वो ओपन और क्लोज होता रहता है, जिससे कि गैसियस एक्सचेंज, डिटेल्स में हम स्टोमटा आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट। इन डेजर्ट लाइक हैबिट्स, जब गर्मी के दिन, टू अवॉइड वाटर लॉस गार्ड सेल कीप दिस पोर्स क्लोज ड्यूरिंग द डे टाइम, लेटर ड्यूरिंग द नाइट टाइम स्टोमटा विल ओपन टू अब्सॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड एंड स्टोर इन वैक्यूल्स। गर्मी के दिनों में जब डेजर्ट, मान लो क्या होता है प्लांट से वाटर के लॉस ना हो, इसलिए जो स्टोमटा के बाहरी सेल में गार्ड सेल होता है वो पोर्स को बंद कर देता है, जिससे कि वाटर लॉस ना हो। जब नाइट होती है तो अगेन स्टोमटा ओपन होता है, जहां से गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करता है और वैक्यूल्स में स्टोर कर लेता है। ड्यूरिंग द डे टाइम दे विल यूज टू स्टोर कार्बन डाइऑक्साइड टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। जैसे डे टाइम आता है तो कार्बन डाइऑक्साइड जो स्टोर किया हुआ है वो फोटोसिंथेसिस, फूड बनाने के लिए जब यूज होता है तो उसमें यूज हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन इन थ्रू टीनी पोर्स ऑन द लिप्स कॉल्ड स्टोम। कार्बन डाइऑक्साइड मैंने अभी बताया गैसियस एक्सचेंज कहाँ होता है, स्टोमटा के थ्रू होता है, थ्रू स्टोमटल पोर्स। वाटर एंड मिनरल्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस आर ट्रांसपोर्टेड टू लीव्स फ्रॉम द रूट्स थ्रू द स्टेम। वाटर और मिनरल्स कहाँ से आते हैं, सोइल से, लीव्स में थ्रू रूट्स एंड स्टेम। क्लोरोफिल हेल्प्स द लीव्स यूज द एनर्जी फ्रॉम सनलाइट टू प्रिपेयर फूड यूजिंग द कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स। ऑक्सीजन इज रिलीज्ड एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ दिस प्रोसेस। जो क्लोरोफिल क्या करता है, जो ग्रीन पिगमेंट, ग्रीन कलर पिगमेंट है, वो लीव्स को मदद करता है लाइट एनर्जी को एनर्जी सन अब्जॉर्ब करके
और केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना थ्रू यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, और फाइनली जब कार्बोहाइड्रेट बनता है ऑक्सीजन रिलीज कर देता है तो हमारे एयर में ऑक्सीजन आ जाता है। दैट इज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। शेप ऑफ लीव्स, लीव्स की जो शेप होते हैं, कुछ पतला चौड़ा, तो जितना चौड़ा लीव्स होगा उतना ज्यादा लाइट एनर्जी ट्रैप करेगा, जितना पतला होगा कार्बन डाइऑक्साइड उसको उतना इजिली मिलेगा। तो जैसे कि ये लीव्स है, अभी यहाँ पे वाइड अगर वो चौड़ा लीव्स है हेल्प्स टू कैच मोर लाइट एनर्जी, थिन हेल्प टू गेट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम बॉटम टू टॉप ऑफ लीव्स फॉर फोटोसिंथेसिस, अगर पतला रहेगा तो क्या होगा कार्बन डाइऑक्साइड बॉटम से टॉप पे फोटोसिंथेसिस के लिए, दैट इज बॉटम दैट इज टॉप। अब जैसे कि यहाँ क्या है सनलाइट है, अब दैट इज अ देख वाटर, वाटर कहाँ से, ये वाटर इंटरलिप्स दैट इज लाइट एनर्जी, और ये कार्बन डाइऑक्साइड इंटर्स लिप्स थ्रू एस्टोमटा दैट इज एस्टोमटा। अब यहाँ ग्रीन पिगमेंट जो है दैट इज ए क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट क्या यहाँ पे क्लोरोफिल है, कहाँ होता है लॉक्ड होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, तो यहाँ पे लाइट एनर्जी को ट्रैप करेगा और यहां से वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड लेके क्या स्टार्च कार्बोहाइड्रेट जो शुगर है ग्लूकोज उसको बनाएगा, केमिकल एनर्जी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज गेट्स शुगर। तो ये जो लिप्स के शेप होते हैं उसमें जितना चौड़ा लिप्स होगा उतना ज्यादा लाइट एनर्जी ट्रैप करेगा, पतला होगा लिप्स तो क्या होगा कार्बन डाइऑक्साइड बॉटम से टॉप में इजिली जाएगा, जिससे कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस तेज होगा। नेक्स्ट स्लाइड, एस्टोमेटा। एस्टोमेटा क्या है, मैंने कहा ना कि लिप्स में जहां गैसियस एक्सचेंज होता है दैट इज एस्टोमेटा। एस्टोमेटा इसका सिंगुलर फॉर्म एस्टोमा, आर टीनी ओपनिंग और पोर्स फाउंड इन एपिडर्म्स ऑफ लिप्स एंड यंग स्टेम्स दैट हेल्प इन गैसियस एक्सचेंज। जो एस्टोमेटा होता है बहुत ही पतला पोर्स होता है, कहां एपिडर्म्स ऑफ लिप्स ऑफ यंग स्टेम जो नए पत्ते होते हैं उसमें पाए जाते हैं, पेयर ऑफ स्पेशलाइज्ड बीन शेप सेल्स कॉल्ड गार्ड सेल आर फाउंड टू सराउंड ईच स्टोमेटा। जिसे कि कई स्टोमेटा होते हैं, स्टोमेटा इज अ प्लुरल सिंगुलर जो होता है स्टोमा। तो अब यहाँ पे जैसे कि ये दैट इज यहाँ पे अब देखो स्टोमेटा मतलब यहाँ क्या है स्टोमेटा बंद पोजीशन है क्लोज शेप में, तो यहाँ ऑक्सीजन रिलीज किया और क्लोज हो ऑक्सीजन एंड वाटर आउट हुआ और रिलीज हो, यह ओपन पोजीशन में स्टोम ओपन स्टोमेटा। यहाँ क्या होता है जब ओपन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व करता है थ्रू एयर दैट इज गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर फोटोसिंथेसिस के लिए यूज होता है और ऑक्सीजन एज ए बाई प्रोडक्ट रिलीज करता है एयर में, एयर से क्या लेता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन रिलीज करता है, ऑक्सीजन वाटर रिलीज हो गया। तो जस्ट लाइक एनिमल ब्रेथ प्लांट डू सो विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा, अंडर द माइक्रोस्कोप दे अपीयर डेंस और डार्क,
जैसे कि एनिमल्स ब्रेथ करते हैं, प्लांट भी ब्रेथ करता है। अगर आप प्लांट का ब्रेथ देखना है, जैसे कि अगर किसी प्लांट पे आप उस पे टेप लगा दो तो क्या होगा, उसकी सेल्फ लाइफ रिड्यूस होती जाएगी, धीरे धीरे वो डेड हो जाएगा। दैट मीन्स कि उसका गैसियस एक्सचेंज नहीं हुआ, ब्रेथ अब नहीं कर रहा है। अंडर माइक्रोस्कोप दे अपियर डेंस एंड डार्क। स्टोमेटा ऑल्सो हेल्प टू प्रोटेक्ट अ प्लांट फ्रॉम डिहाइड्रेशन कॉज्ड ड्यू टू एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर। मैंने कहा ना कि जब गर्मी के दिन होता है तो स्टोमेटा क्या होता है, जो पोर्स हैं वो बंद हो जाते हैं, जिससे कि एक्सेसिव वाटर का लॉस ना हो। फिर जैसे ही सनलाइट चली जाती है तो फिर पोर्स खुलते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एयर से ट्रैप करता है, अब्जॉर्ब कर लेता है। वो नेक्स्ट जब फिर सनलाइट आएगा तो फूड के प्रोसेस के लिए फोटोसिंथेसिस यूटिलाइज होता है। तो दैट इज द स्टोमेटा, दैट इज इन क्लोज पोजिशन एंड हियर इज ओपन पोजिशन। नेक्स्ट स्लाइड। स्टोमेटा स्ट्रक्चर, दैट इज ए स्टोमेटल पोर्स, दैट इज ओपन, दैट इज गार्ड सेल, जिससे कि ओपन क्लोज होता रहता है। दैट इज एपिडर्मल सेल, सब्सिडरी सेल, दैट इज ए न्यूक्लियस, ये जो है ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट, जहां ग्रीन ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। यहां पे देखिए, जैसे कि ये क्या है, ये है न्यूक्लियस एंड दैट इज ए क्लोरोप्लास्ट, दैट इज वैक्यूल, दैट इज ए गार्ड सेल एंड सेल वॉल, जो लिप्स में स्टोमेटा होता है। तो कई स्टोमेटा होते हैं, स्टोमा इज अ सिंगुलर फॉर्म एंड स्टोमेटा इज प्लूरल फॉर्म। दैट स्टोमेटा इज क्लोज्ड पोजीशन एंड दैट स्टोमेटा इज ओपन पोजीशन। अब यहां पे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करेगा और ये जब फिर डे आएगा तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो स्टोर किया है वैक्यूल में उसको फोटोसिंथेसिस के लिए यूटिलाइज होगा और यहाँ पे ऑक्सीजन एक्सचेंज करते ही बंद हो जाता है। दैट इज अ स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। नेक्स्ट स्लाइड। इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की क्या इंपॉर्टेंस, फोटोसिंथेसिस इज इसेंशियल फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल लाइफ ऑन द अर्थ। अर्थ पे जितनी भी लाइफ है उसकी एग्जिस्टेंस के लिए फोटोसिंथेसिस बहुत ही जरूरी है। क्यों, हम ऑक्सीजन लेते हैं, एनिमल्स क्या ऑक्सीजन लेते हैं, ह्यूमन ऑक्सीजन लेता है, प्लांट ऑक्सीजन रिलीज करता है। हमारे एटमॉस्फेयर में जो एयर है उसमें को बैलेंस करने के लिए फोटोसिंथेसिस बहुत ही जरूरी है। दूसरा, जो फूड है प्लांट से आते हैं, जो हेटरोट्रॉप्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो किसी न किसी दूसरे सोर्स पे डिपेंड होते हैं। जैसे हमें ही राइस चाहिए तो राइस कहाँ, प्लांट से आता है, फ्रूट प्लांट से आता है। जो ऑटोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो ग्रीन प्लांट्स में पाए जाते हैं, वो अपना सेल्फ फूड तैयार करते हैं जिससे कि वो अपना ग्रोथ, अपनी बॉडी फंक्शन सारे होता है। तो उससे हमें फ्रूट ग्रेन्स सारे मिलते हैं जिससे कि हमारी लाइफ चलती है। इसलिए फोटोसिंथेसिस इज इसेंशियल फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल लाइफ ऑन द अर्थ। इट सर्व्स ए क्रूशियल रोल इन फूड चेन। द प्लांट क्रिएट देयर फूड यूजिंग दिस प्रोसेस, देयर बाय फॉर्मिंग द प्राइमरी प्रोड्यूसर। प्लांट
इस प्रोसेस से अपना फूड दे रहा, मतलब दैट इज द प्लांट इज द प्रोड्यूसर, एनिमल किंगडम इज कंज्यूमर, जैसे कि ह्यूमन इज कंज्यूमर, डिपेंड ऑन अदर सोर्स ऑफ फूड के लिए वो किस पे, अदर सोर्सेस पे डिपेंड है, वेयर एज प्लांट फूड सेल्फ तैयार करता है, दैट इज अ प्रोड्यूसर। फोटोसिंथेसिस इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन विच इज नीडेड बाय मोस्ट ऑर्गेनिज्म फॉर देयर सर्वाइवल। तो फोटोसिंथेसिस, अभी हमने आपको बताया कि ग्रीन प्लांट्स एयर से कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, वो ऑक्सीजन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म जैसे कि ह्यूमन है, एनिमल किंगडम मोस्टली कार्बन ऑक्सीजन लेते हैं, तो उसके लिए फोटोसिंथेसिस क्या है, प्रोडक्शन करता है ऑक्सीजन का, दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट, फोटोसिंथेसिस इन लीव्स ऑफ वेरियस कलर, अलग अलग कलर के जो प्लांट्स होते हैं और उनके जो लीव्स होते हैं उसमें फोटोसिंथेसिस कैसे होता है। जनरली इन ग्रीन प्लांट्स क्लोरोफिल अब्सॉर्ब लाइट एनर्जी फ्रॉम द सन टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं क्लोरोफिल जो है वो लाइट एनर्जी को सन से अब्सॉर्ब करता है जिससे कि फोटोसिंथेसिस हो। बिसाइड्स सम ग्रीन कलर प्लांट्स लाइक कैरोटन, मैपल, कोलोसिया एक्सेट्रा हैव लीव्स दैट आर रेड, ब्राउन, वायलेट कलर। दीज कलर आर प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट, मास्क द ग्रीन कलर ऑफ क्लोरोफिल इन द लीव्स। जो ये क्रोटन, मैपल, कोलोसिया का, कोलकेसिया जो है प्लांट्स, इसमें इनके जो लीव्स के कलर रेड, ब्राउन, वायलेट कलर के होते हैं, ये उसमें भी ग्रीन कलर प्रेजेंट होता है लेकिन बहुत कम होता है, उसको मास्क करके रहते हैं। दैट मींस दस दीज लीव्स आल्सो परफॉर्म फोटोसिंथेसिस बाय स्टार्च इन देम, मास्क द क्लोरोफिल इन द लीव्स। तो जो ग्रीन कलर का क्लोरोफिल होता है उनके लीव्स में होते हैं मास्क, ढके हुए होते हैं, तो उनमें फोटोसिंथेसिस कम होता है, स्पीड जो फोटोसिंथेसिस का है वो कम होता है क्योंकि उनके जो आउटर है रेड, ब्राउन कलर, मेनली ग्रीन जो होते हैं, ग्रीन कलर जो क्लोर पिगमेंट क्लोरोफिल होता है उसमें कम है, तो स्पीड कम होगा, लेकिन वहां भी ग्रीन कलर मास्क होने का मतलब है कि उसमें भी ग्रीन कलर पाए जाते हैं जहां सनलाइट को ऑब्जर्व करके केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू एयर, वाटर थ्रू सॉइल लेके फोटोसिंथेसिस होता है जिससे कि कार्बोहाइड्रेट शुगर का एज ए फूड सिंथेसाइज करता है। तो जो फोटोसिंथेसिस है वो जितने भी ऑटोट्रॉप्स होते हैं, मेनली ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वहां फोटोसिंथेसिस, मतलब कि उनका जो न्यूट्रिशन है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, यूज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टू फॉर सेल्फ फूड प्रिपरेशन। ग्रीन प्लांट्स आर प्रोड्यूसर, जितने भी ऑटोट्रॉप्स हैं वो फूड प्रोड्यूसर होते, मतलब प्राइमरी प्रोड्यूसर हुए। हेटरोट्रॉप्स जो होते हैं, जो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है वो दूसरे सोर्स पर डिपेंड है, किसी न किसी रूप में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स। प्लांट्स गिव्स फ्रूट, ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, तो ये सारे चीज जो है फोटोसिंथेसिस है। तो फोटोसिंथेसिस बहुत ही जरूरी है अर्थ पे सरवाइव करने के लिए, लाइफ जितनी भी एग्जिस्टेंस है, और ऑक्सीजन का प्रोडक्शन भी थ्रू रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। तो आज हम ये समाप्त होता है फोटोसिंथेसिस कंप्लीट, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप इसको समझे होंगे, आप और जितनी बार रिवाइज करेंगे और अच्छी तरीके से समझेंगे, और रिवीजन बहुत ही मस्ट है।
नेक्स्ट सेशन में हम इससे आगे और पढ़ेंगे। तो आज यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।